नमस्कार, नीतिगर कलाकृति में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्विक चमचम। जी हाँ, इसके लिए आपको बहुत ही कम प्रिपरेशन की ज़रूरत है और बहुत ही कम सामान की भी, इसलिए यह है क्विक चमचम। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है और विश्वास मानिए, यह आपको वही स्वाद और वही मिठास देगी जो बाज़ार की चमचम आपको देती है। तो चलिए बनाएं क्विक चमचम। इसके लिए आपको चाहिए ब्रेड, चीनी, पानी, ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए, क्रीम, केवड़ा एसेंस येलो कलर और कोकोनट का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। सारा सामान एक जगह रख लीजिए। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कटोरी चीनी लीजिए और आधी कटोरी पानी, और इनको एक भगोनी में गरम करने रख दीजिए। इसमें हम 3 बूंद एसेंस डालेंगे और 3 बूंद ही हम इसके अंदर येलो कलर डालेंगे। इस सबको आप गैस पे पकने रखिए और इसे 7 से 8 मिनट तक पकाइए। इसे हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तब तक ब्रेड के स्लाइस लेकर के किसी भी कटोरी या ग्लास से उसमें से गोल आकार में काटकर पीसेस निकाल लीजिए। ये जो ब्रेड के साइड्स बचेंगे, आप इनको ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह चारों ब्रेड के स्लाइसेस निकाल लीजिए। अब मलाई लीजिए या क्रीम लीजिए, इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कीजिए, अच्छे से ब्रेड के ऊपर फैला लीजिए। यहाँ मैंने कई तरह के ड्राई फ्रूट मिक्स करे हैं, आप इन्हें अपनी पसंद से ले सकते हैं और उन्हें बारीक बारीक काट के एक मिक्सचर तैयार कर लीजिए। ड्राई फ्रूट बीच में लगा करके दूसरे ब्रेड का टुकड़ा उसके ऊपर ढक दीजिए। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस पर मलाई और ड्राई फ्रूट्स लगाकर सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, आपकी मलाई या क्रीम बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा। अब हम इस पे चाशनी चढ़ाएंगे। अब इन स्लाइसेस को हमने चाशनी में डुबाना नहीं है, बल्कि एक स्पून की मदद से हम इसे चाशनी के चारों तरफ से कवर करेंगे, जिससे कि ये चाशनी को अच्छे से सोख ले। अब इसे आप नारियल के बुरादे में या फिर डेसिकेटेड कोकोनट में कवर कर दीजिए। इसके चारों तरफ कोकोनट चढ़ा दीजिए और ऊपर से एक बादाम का टुकड़ा लगा दीजिए। आपकी क्विक चमचम तैयार है। विश्वास कीजिए, आपको वही स्वाद वही मिठास करेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई और शेयर करें और जुड़े रहें निधिगर कलाकृति।